केंद्र सरकार ने दिल्ली के प्रशासन में बदलाव का अध्यादेश जारी किया। केंद्र सरकार ने अपने अध्यादेश का आधार संविधान पीठ के एक वाक्य को बनाया है। जी हां, एक बार फिर दिल्ली सरकार और एलजी आमने सामने हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के अधिकारों पर अध्यादेश जारी किया है। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल का ही होगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर ये साबित किया है कि वो एक तानाशाह है, न लोकतंत्र मानते हैं, न सुप्रीम कोर्ट मानते हैं, न संविधान मानते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का फैसला, संविधान पीठ के फैसले ने यह कहा कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार के पास ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार होना चाहिए। और उस फैसले को दो दिन भी नहीं हुआ मोदी जी ने बदल दिया एक अध्यादेश के जरिए, एक ऐसे अध्यादेश के जरिए जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ। इतना क्यों डरते हैं केजरीवाल से? इतना क्यों भय सताता है आपको अरविंद केजरीवाल से कि आप एक अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर नहीं चलने दे रहे, जिसको 2 करोड़ लोगों ने 90% से ज्यादा सीटें देकर चुना, प्रचंड बहुमत के साथ एक नहीं 3-3 बार चुना, आप ऐसी सरकार को नहीं चलने दे रहे? तो ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोटा है, किस तरह से भारत के सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती दी है, किस तरह से भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का फैसला बदला है, और किस तरह भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल से डरे हुए हैं, ये पूरा देश, पूरी दिल्ली देख रही है। वक्त आने पर इस देश के लोग आपकी इस तानाशाही के खिलाफ जरूर खड़े होंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात का संज्ञान जरूर लेगा। जय हिंद। देखिए, बचपन में देखते थे किसी बच्चे की बैट बॉल और विकेट्स होती थी और वो आउट हो जाता था तो रोने लगता था, वो कहता था मैं नहीं खेल रहा, बैट दो मेरा, बॉल दो मेरी, विकेट दो, गेम खत्म। इस तरीके की बेईमानी, इस तरीके का धोखा, छल, कपट आज केंद्र सरकार ने किया है। किसके साथ किया? सुप्रीम कोर्ट के साथ, देश के संविधान के साथ और दिल्ली के लोगों के साथ। जिन लोगों ने 3-3 बार अरविंद केजरीवाल जी को चुन के मुख्यमंत्री बनाया, आज केंद्र सरकार कह रही है कि उस मुख्यमंत्री को कोई अधिकार नहीं होने दिया। एलजी जो चुने नहीं गए, दिल्ली पे थोपे गए हैं, उनको सारे के सारे अधिकार होंगे, ना सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार होंगे, उनके जरिए दिल्ली के हर काम के ऊपर अधिकार देने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। मुझे लगता है ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, और इस देश के अंदर ऐसी हरकत, ऐसा छल, ऐसा कपट आज से पहले कभी नहीं। केंद्र सरकार जो ये अध्यादेश लेकर आई है, ये सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले की साफ साफ अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि चुनी हुई सरकार के पास निर्णय लेने की ताकत होनी चाहिए, यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र का सम्मान है। लेकिन आज जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है, वो उस हार के डर से, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को पावर देने के डर से वो ये अध्यादेश लेकर आई है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा हो, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने 90% से ज्यादा सीटें दी हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली नहीं चलाएंगे, केंद्र सरकार दिल्ली चलाएगी। तो ये साफ नजर आता है कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डरी हुई है, और उसकी वजह से ये अध्यादेश लेकर आई है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना है। दिल्ली की जनता ने केंद्र सरकार को एक नहीं 3 बार हराया, पूरी तरह हराया।
हर बार केंद्र सरकार चोर दरवाजे के माध्यम से बेईमानी कर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहती थी, अरविंद केजरीवाल जी को रोकना चाहती थी। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने एक फैसला दिया और कहा कि दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार ही सारे फैसले लेगी, किस अधिकारी को ट्रांसफर पोस्टिंग कहां करना है ये अधिकार दिल्ली के अंदर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास होगा। लेकिन अभी अभी केंद्र सरकार एक ऑर्डिनेंस लेके आई है और ये ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करता है, उसकी धज्जियां उड़ाता है। ये शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको दिल्ली की जनता ने पूरी तरह हराया, आज वो इस तरह की गरीबी हरकतें कर रही है और एक अरविंद केजरीवाल जी को रोकने के लिए इस तरह से डरी हुई है कि ऑर्डिनेंस लाकर वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र के मूल्यों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसका अवहेलना कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है, निंदनीय है। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। केंद्र सरकार ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को आदेश दिया था कि अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की पावर दिल्ली सरकार के पास रहेगी। अब केंद्र ने अध्यादेश के जरिए कोर्ट का फैसला पलट दिया है। संसद में अब 6 महीने के अंदर इससे जुड़ा कानून भी बनाया जाएगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।